हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हरकोईशेफ। आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो एक न्यू तरीके का फ्राइड राइस है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा फ्राइड राइस आपने कभी नहीं खाया होगा, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए और बनाइए, ट्राई कीजिए। इसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो ये है। टमाटर की चटनी होगी, उस चटनी में एक टमाटर, चार हरे मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ, आधी इंच अदरक, नमक और ये थोड़े फ्रेश धनिया। तो आइए पहले मैं चटनी बनाती हूँ। तो चटनी की सारी चीज़ों को मैंने कट कर लिया है, ये सब कुछ मैंने कट कर लिया है। अब इसे मैं ये अदरक को थोड़ा कट कर लेंगे। और धनिया को लास्ट में, सॉल्ट, ये थोड़ा थिक है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हमारी चटनी रेडी है। हमारी चटनी अब रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं फ्राइड राइस की तरफ। उसके लिए हमें जो सामान चाहिए, प्याज, ये दो प्याज हैं, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ये सिर्फ मैंने फ्लेवर के लिए हरी मिर्च रखा है, एक थोड़ा सा गरम मसाला। एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि ये सारी सब्जियां आप यूज़ करें, आपके घर में जो भी अवेलेबल है, जो भी सब्जियां, अगर मतलब अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ओनली प्याज भी है तो ओनली आप प्याज से भी बना सकते हैं। और अगर ठंड का मौसम है तो आप मटर यूज़ करेंगे तो उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं, मतलब या पत्ता गोभी और प्याज भी हैं, या फिर कुछ भी, जो भी आपके पास सब्जियाँ अवेलेबल हैं, अगर आप सब्जियों के प्रेमी हैं तो आप उसमें बहुत सारी सब्जी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना सब्ज़ी खाना चाहते हैं, कितना यूज़ करना चाहते हैं। तो मेरे घर में इस वक्त ये सब्ज़ियाँ अवेलेबल थी, इसलिए मैंने ये सारी कट कर ली है। तो ये सब्ज़ियाँ हो गई और ये फ्रेश राइस, मैंने ये राइस बनाया था जब, तो उसमें बनाने से पहले मैंने इसमें आधी चम्मच घी डाल दी थी ताकि इसके चावल जो हैं थोड़े अलग अलग रहें। तो ये बिल्कुल अच्छे हैं, चावल बिल्कुल अलग अलग हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं फ्राइड राइस बनाना। कढ़ाई में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब ये गर्म हो गया है तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हरी मिर्च डालेंगे, फिर प्याज, इसको हम हाफ फ्राई करेंगे।
हल्का सा सॉल्ट डालेंगे, हल्का सा सॉल्ट डालेंगे ताकि सब्जियां थोड़ी जल्दी पक जाएं। इस रेसिपी के पीछे मेरी जो स्टोरी है वो ये है कि जब मैं छोटी थी और सारे भाई बहन, तो हम लोग बहुत छोटी जगह पे रहते थे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं मिला करती थी। मैगजीन्स और टीवी वगैरह में हम लोग काफ़ी डिशेस देखा करते थे, तो फ्राइड राइस अक्सर देखने को मिलता था, या मैं मैगजीन्स वगैरह में पढ़ती थी कि फ्राइड राइस है। तो हम लोग छोटे थे तो अपनी मम्मा को बोलते थे कि मम्मा हमें फ्राइड राइस खाना है, खाना है। तो बच्चे थे, मम्मा को लगा कि ज़िद कर रही है तो कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो गांव में तो वेजिटेबल्स सारे अवेलेबल होते हैं, तो उन्होंने सारी वेजिटेबल्स लिया, पनीर लिया, मतलब पनीर भी ऑप्शन है आप डाल सकते हैं, तो पनीर लिया, सब कुछ को उन्होंने फ्राई किया। और घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उनके पास, जैसे उनको पता नहीं था कि फ्राइड राइस बनता कैसे है, उन्हें इतना पता था कि उसमें सॉस डाला जाता है और सब्जियां होती हैं, तो उन्होंने अपने आप सोचकर हम बच्चों को खिलाने के लिए ऐसा बनाया कि उन्होंने सारी सब्जियां फ्राई कर ली। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गरम मसाला, ये थोड़ा अलग है फ्लेवर गरम मसाला, तो मम्मा ने वो सारी चीज़ बनाकर गरम मसाला डालकर और जो सॉस की जगह उन्होंने ये चटनी बनाई, जो चटनी अभी मैंने आपको बना के दिखाई, तो वो चटनी डालकर हम लोगों को उन्होंने सर्व किया। और रियली मैं आपको बता रही हूँ, जब वो हम लोगों ने खाया, वो इतना अलग सा टेस्ट था, इतना अच्छा टेस्ट था कि वो आज तक मेरी ज़बान पे है, मैं कभी नहीं भूली। ये रेसिपी मेरी मम्मा आज भूल गई होंगी, लेकिन मैं नहीं भूली इस रेसिपी को, मैं हमेशा बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि इस रेसिपी को आप सबके साथ शेयर करूँ। तो ये सब्जी हमारी अब फ्राई हो गई है, अब हम इसमें राइस डालेंगे। राइस के साथ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दीजिए। सॉल्ट ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्का ही रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी चटनी में सॉल्ट है, तो इसलिए। और ये जो गरम मसाला है, ये आपका जो स्पून है टेबल स्पून, उसका 1/4 स्पून होगा, बहुत ज़रा सा पड़ता है, ये ज़्यादा नहीं पड़ता, ये आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा है। ये लगभग रेडी है, ये फ्राई हमारी, ये राइस फ्राई हो चुके हैं। आप प्लीज़ इस रेसिपी को आप लोग ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं गैस बंद करती हूँ, ये तो ये हमारा फ्राइड राइस रेडी है और ये चटनी रेडी है। तो इस चटनी को हम इस पे ऐसे ये डालेंगे,
किस तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद आप इसे खाइए। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी है। प्लीज़ आप सभी इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा। यम।